हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब श्रेया किचन में। तो मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ ब्रेड रोल की बहुत ही सिंपल और लाजवाब रेसिपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुछ ब्रेड स्लाइसेस ली हैं जिनकी साइडें मैं हटा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बहुत ही ईजिली ये हट जाती हैं। ये देखिए हमने चाकू से हटा दिया है, आप कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इनकी साइडें हटा देते हैं। यहाँ पर हमने 3 ग्रेटेड आलू ले लिए हैं। आलू को हमने बॉईल किया था और फिर ग्रेट करके ले लिया है। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज कट कर लिया है बारीक, और 2 मिर्च कट कर ली हैं, और 1/2 स्पून यहाँ पर हम डाल रहे हैं नमक। और फिर अब हम डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच चाट मसाला, और यहाँ पर कुछ धनिया हम डाल रहे हैं। ये देखिए इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डाल रहे हैं ग्रेटेड चीज़। ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ ग्रेटेड चीज़ ले ली है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर हमने 2 टुकड़े चीज़ के लिए थे उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इसमें हमने मिक्स कर दिया है। इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हाथों में थोड़ा ग्रीस कर लेते हैं घी से। ये देखिए हमने हाथों को ग्रीस कर लिया है। अब इसका छोटा सा पोर्शन उठाएंगे और हाथों पर रोल करके एक सिलेंडर सा हम बना लेंगे। ये देखिए इसी टाइप से हमें 7 बना लेने हैं, क्योंकि हमने सात ही ब्रेड यहाँ पर ली हैं। ये देखिए इस तरह से हमें तैयार कर लेने हैं, और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने तैयार कर लिए हैं बनाकर। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने मैदा ले लिया है और 1/2 कप यहाँ पर हमने पानी ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे इतना पानी क्यों, हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी पानी की। आगे मैं बता रही हूँ किस लिए इतना ज़्यादा पानी हमने लिया है। एक पतला सा हमें घोल अच्छे से तैयार कर लेना है। ये देखिए अब हमने ब्रेड उठा ली हैं, ब्रेड की साइडें जो थी वो हमने निकाल दी हैं, और बहुत अच्छे से इसे बेलन की सहायता से बेल लेना है। ये देखिए इसे काफ़ी पतला आप बेल सकते हैं। ब्रेड एक बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ब्रेड हमारी ताज़ी होनी चाहिए, फ्रीज की लगी ब्रेड बिल्कुल भी नहीं बनेगी, वो फट जाएगी। ये देखिए इतनी पतली हमने सीट बना ली है रोल की। ये देखिए अब यहाँ पर हम साइडों में मैदा लगा रहे हैं ताकि इसको आसानी से हम चिपका सकें। इस तरह से हमें सबसे पहले सीट पर मैदा लगा लेना है। अब यहाँ पर हम रखेंगे आलू की स्टफिंग। ये देखिए इस तरह से इसको हमें रोल कर लेना है। ये देखिए और ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए कितनी आसानी से ये चिपक गया है। अब इसी तरह से हमें सारे रोल तैयार कर लेने हैं। ये देखिए मैं आपको एक दूसरा बनाकर और दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर 2 बनकर तैयार हो गए हैं। मैं तीसरा भी इसी तरह से बना रही हूँ। इस तरह से हमने सीट पतली बना ली है, मैं सारी सीटें एक साथ बना रही हूँ, फिर बाद में स्टफिंग लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से हमने 3 बनाकर रोल तैयार कर लिए हैं। अब उसी प्रोसेस से हमें 4थी ब्रेड भी बनानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक ब्रेड को उठाया और फिर इसमें सबसे पहले मैदा लगा रहे हैं। ये देखिए अब इसकी स्टफिंग उठाकर हम इसमें रख देते हैं। ये देखिए और इसको बहुत ही आसानी से धीरे धीरे हाथों से घुमाते रहेंगे। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये देखिए अब इसी तरीके से हमें और ब्रेड बना लेनी है। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं। आप इतनी आसानी से इन्हें बना सकते हैं, बस ये तरीका अपना लीजिए, बहुत ही आसानी से आपकी ब्रेड बनकर तैयार हो जाएंगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको फ्रिज में लगी हुई ब्रेड वो इस्तेमाल नहीं करनी है। ये देखिए फ्रिज की लगी हुई जो ब्रेड होती है उसको बेलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और वो बेलने में ही फट जाती हैं। अगर बेलने में नहीं फटेगी तो वो स्टफिंग भरते समय फट जाएगी। ये देखिए मैं आजमा चुकी हूँ इसलिए बोल रही हूँ, आप फ्रिज की ब्रेड बिल्कुल भी ना यूज़ करिए। ये देखिए ताज़ी ब्रेड ले लीजिए और बहुत ही आसानी से इसे आप बना सकते हैं। ये देखिए इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है,
बस आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए पूरा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने सारी ब्रेड रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, और ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं और ये खुलेंगे भी नहीं। इस तरह से हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब ये जो मैदे का घोल था मेरा, मैं उसमें इसको डिप करूँगी एक बार। ये देखिए, हमें एक बार ही डिप करना है। और यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लिया है। इसको आप 2-3 ब्रेड ले लीजिए और उसमें मिक्सी में डालिए और बहुत ही आसानी से इसे ग्राइंड कर लीजिए। फिर ये ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, मैं एक बार डिप कर रही हूँ मैदे के घोल में और फिर इसे अच्छे से कोट कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स में। यहाँ पर हमने वाइट ब्रेड का क्रम्स बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पर जो साइडें अभी ब्रेड की निकाली थी उसका भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। बहुत ही ईजिली बन जाता है, ये देखिए, उससे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, बस थोड़ा कलर में फ़र्क आ जाता है। ये देखिए, इसका कलर वाइट दिख रहा है, उसका डार्क ब्राउन हो जाएगा और खाने में ये सेम ही लगते हैं। ये देखिए, देखने में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं, खाने में फ़र्क आएगा, टेस्ट दोनों का एक जैसा होगा। यहाँ पर हमने मीडियम गर्म तेल ले लिया है, तेल हमारा पहले से गर्म हो रहा था। ये देखिए, अब इसके कुछ बबल्स कम हो जाते हैं, फिर इसमें हम करछी लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता तब तक इसमें हम करछी नहीं लगाते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसकी साइडें हमें चेंज कर देनी है। जैसे ही इनका कलर चेंज होता है वैसे ही हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं, इनको हम पलट देते हैं और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें बनाने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। इजीली हम घर पर इन्हें बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, ये हमारे ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गए हैं। इसे एक कटोरे में हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं स्प्रिंग रोल। ये देखिए, अब इन्हें हम चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।